हाय एवरीवन, तो आज हम देखेंगे स्विच को कैसे हम स्विच की जो इमेज आईओएस फाइल उसको हम कैसे अपडेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन ड्राइव। तो सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं, हमें क्या क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्विच होना चाहिए, पेन ड्राइव होना चाहिए जिसमें हमारा फाइल होना चाहिए बीन डॉट बीन फाइल, एक कंसोल केबल होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम स्विच और अपने लैपटॉप को कनेक्ट करेंगे, एंड एक पावर केबल होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम स्विच को पावर ऑन करेंगे। तो चलिए स्विच को पावर ऑन करते हैं। हमारा स्विच अभी ऑन हो रहा है और ये हमारा कंसोल केबल है जिसकी हेल्प से हम स्विच का CLI एक्सेस लेंगे। तो इसको हम कंसोल पोर्ट में लगाते हैं, ये हमारा कंसोल पोर्ट हो गया और इसका दूसरा एंड USB हम अपने PC के USB पोर्ट पे इसको इंसर्ट करेंगे जिसके हेल्प से हम CLI एक्सेस लेंगे पेन स्विच का। हमारे पास एक पेन ड्राइव है जिसमें ऑलरेडी मैंने एक बीन फाइल डाउनलोड करके रखा है। ये पेन ड्राइव हमारे पास है जो कि हम स्विच के USB पोर्ट पे लगाएंगे। हमारे पास ये रहा हमारा USB पोर्ट स्विच में और ये पेन ड्राइव हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। और हमारे पास स्विच है कैटलिस्ट 3850 जिसको हम अपग्रेड करेंगे इसका वर्जन।